अभी ये जो बैट है ये प्रॉपरली नॉक हो चुकी है, इसकी एजेस भी है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है, सरफेस भी सॉफ्ट हो चुका है। पूरा एक दिन हम लोग ने इसके ऊपर प्रॉपरली नॉकिंग की है और अभी आज हम लोग इसको ऑयलिंग करेंगे। आपके मन में ये सवाल आता रहेगा कि बैट को ऑयलिंग करते क्यों है, तो इसका पर्पज़ ये है कि जब भी बैट बनाई जाती है तभी इसको पानी में भिगो के इसको प्रेस किया जाता है, तो बैट के अंदर थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है पानी की वजह से, तो ये मॉइस्चर कंटेंट होना ज़रूरी है, इसके वजह से बैट की लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है। जब भी हम लोग बैट को ऑयलिंग करते हैं तो इसके ऊपर ऑयल का एक हल्का सा हम लोग लेयर बनाते हैं, इसके वजह से बैट के अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़ नहीं पाता है। अगर बैट के अंदर का मॉइस्चर उड़ जाएगा तो बैट जल्दी ही टूट जाएगी, इसीलिए बैट की लाइफ अच्छी होने के लिए इसको ऑयलिंग करना ज़रूरी है। हाँ, ज़्यादा भी ऑयलिंग नहीं करना है, एकदम हल्का सा करना है। बैट को ऑयल करने के लिए हम लोग लिंसिड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लिंसिड ऑयल या इसको फ्लेक्सिड ऑयल भी बोलते हैं, ये कोई भी स्पोर्ट शॉप में आपको मिल जाएगा। इस ऑयल को बैट के ऊपर लगाने के लिए हम लोग इस कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा ऑयल लेना है कॉटन के ऊपर एंड देन ऊपर से नीचे तक स्टिकर का पार्ट छोड़ के हम लोग को जैसे ग्रेन्स है वैसे उसको हल्का सा ऑयलिंग का लेयर देना है। ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाना है। अभी आप देख सकते हो ऑयल का एक हाथ हम लोग ने बैट के ऊपर लगाया है, सो अभी ग्रेन्स एकदम निखर के ऊपर आ गई है, जैसे डार्क हो गई है ग्रेन्स। अभी हमने बैट को एक लेयर ऑयल का लगाया है, अभी इसके बाद हमें थोड़ी देर रुकना है क्योंकि ये जो लेयर है ऑयल का ये बैट के अंदर सोख जाए। अभी आप देख सकते हो कि जो हम लोग ने पहला लेयर लगाया था ये पूरी तरह से बैट में अंदर सोख लिया है बैट ने, तो अभी इट्स टाइम टू अप्लाई सेकेंड लेयर। अभी इसको और एक लेयर हम लोग ऑयलिंग करेंगे, सेम प्रोसेस। अभी बैट को ऑयलिंग की दो लेयर देके हो चुकी है, आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि अच्छी खासी ऑयलिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो बैट्स की ग्रेन्स भी खुल के आ गई है, एकदम प्रोमिनेंट दिख रही है। यू कैन सी सी द ग्रेन्स। हाँ, अभी बैट को ऑयल करके कंप्लीट हो गया है, अभी इस बैट को हम लोग एक रात तक ऑयल सोक करने के लिए रख देंगे, कल सुबह मॉर्निंग को या दोपहर को जैसे टाइम मिले वैसे हम लोग इसको बैट को टेप करेंगे। ओके,
तो कल मिलते हैं।